हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस ग्लू। तो गाइस आज की इस वीडियो में वीडियोस से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने की हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस का जो है बिल्कुल वहीं पे आपको सॉल्व करने की पूरी ट्रिक बताई जाएगी। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करें। तो चलते हैं कमेंट सेक्शन में एंड देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो है वालिद मुस्तफ़ा का और ये कहते हैं भाई ये वेबसाइट फेक है या नहीं और आपने इस साइट से कुछ अर्निंग की है अब तक। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जी हाँ मैंने इस वेबसाइट से अर्निंग की थी और भी काफ़ी बंदे मेरे साथ साथ इस वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं। मैंने अपनी रिसेंटली वीडियोस में बताया था कि फेक वाली बात करी थी। तो गाइस होता ये है कि आफ्टर अपडेट इस वेबसाइट के जो ऑनर हैं उन्होंने अपनी क्वेरीज से लेकर इंस्टा पे या ईमेल्स पे काफ़ी देर बाद रिप्लाई देते हैं और जहाँ तक हो सकता है कि व्यूअर का जो वर्कर होते हैं इनके वर्कर हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही एक भाई हैं, उन्होंने इस वेबसाइट से जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो उन्होंने कमेंट में किया था कि भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, $7 का इन्होंने ऑलरेडी विड्रो ले रखा है यहाँ से और बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है। तो फेक नहीं बोल सकते आप, अच्छे से अगर वर्क कर रहे हैं और अगर आप आर्टिकल वैल्यूएबल एंड हाई इन्फॉर्मेशनल प्रोवाइड करा रहे हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी अर्निंग होगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें गाइस, इनके फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, तो फेक नहीं कह सकते। एंड सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट राइट इन पेड आर्टिकल्स जो ग्रामर इशू है वो 80 बट सेव आर्टिकल इन वर्ड। सो मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं आप YouTube ओपन करके एंड पेड फॉर आर्टिकल्स हाउ टू प्रॉब्लम फिक्स जीनियस गुरु ये करके गाइस सर्च करें आप, जो वीडियोस आप आएंगे उन्हें देखें। इस टाइप की दो तीन वीडियोस मैंने इसी पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं जिसमें आप SEO एंड ग्रामरली मिस्टेक जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जाके विजिट करें और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसी में मिल जाएगा। एंड थर्ड की तरफ चलते हैं, ये हैं टेक्निक्स और लिखते हैं सर AI राइट वेबसाइट में रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं इसे लाइव आपके सामने करा देता हूँ और जिन लोगों को ये नहीं पता कि AI वेबसाइट जो क्या है तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये एक तरीके का टूल है जिसमें हम किसी तरीके का एक टाइटल डाल के और उसी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल जो ऑटोमेटिकली टाइप कर लेते हैं, बट इसे रजिस्टर्ड कैसे करना है वो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। सो गाइस जब आप लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के हैं, जब आप इस वहाँ पे क्लिक करोगे एंड अगर AI राइटर आप इस तरीके की एक वेबसाइट होगी, इस तरीके का एक पॉपअप आपके सामने खुलेगा। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे रजिस्टर न्यू अकाउंट, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आप कोई भी टेम्प मेल यूज़ कर सकते हो। अब टेम्प मेल गाइस जो बहुत तरीके की वेबसाइट्स टेम्प मेल्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक ही पे डेडिकेटेड होके वही यूज़ नहीं करना है। आप लोगों ने ये है एंड ये है, इनमें से कोई सा भी एक मेल रैंडम सा यूज़ करना है, बिकॉज ये वेबसाइट के सर्वर जो हैं उन सर्वर में इनका जो टेम्प मेल सर्वर है वो ब्लॉक होता है किसी किसी का, तो सभी का नहीं होता, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड वेबसाइट का ही ओपन कर लेता हूँ, देन ये वाली जो ईमेल टेम्प है इसे हम यूज़ करेंगे उसमें, तो ये समथिंग ले लेगा बिकॉज मैंने इसी से रजिस्टर ऑलरेडी कर रखा था। तो मैं आपके सामने यहाँ पे भी बता देता हूँ एंड सिंपली आपको यहाँ पे एक रैंडम सा पासवर्ड चूज कर लेना है। तो सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, देन आफ्टर को थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और ये देखिए हमारे इन्होंने एक प्लीज चेक योर मेल्स टू एक्टिवेट योर अकाउंट, सो सिंपली इस तरीके का एक मेल भेज दिया जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे एक मेल रिसीव होगा और अगर आपको मेल रिसीव नहीं होता है सिंपली आप लोगों ने यहाँ से रिफ्रेश कर देना गाइस, देन आफ्टर यू कैन सी यहाँ पे हमें एक मेल जो है वो रिसीव हो गया। सिंपली आप उस पर क्लिक करके अपनी इस अकाउंट को जो है एक्टिवेट यहाँ से इस लिंक से कर सकते हो। देन आफ्टर आप लोगों ने आगे वो वीडियो देख लेनी है, सिंपल सा टाइटल रेंडम सा डालना है, होटल से आपको 1000+ का आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली लिख के दे देगा गाइस नोटपैड की फाइल में। वहाँ से आप एडिट करके वर्डप्रेस, ब्लॉग स्पॉट, पेड फॉर आर्टिकल्स कहीं पे भी यूज कर सकते हो, 100% SEO फ्री होगा गाइस, वो प्लैगजम फ्री होगा, तो आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में एंड देन गाइस और प्रीवियसली कमेंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है भाई मेरा आर्टिकल सबमिट हो गया है पर कहीं शो नहीं होता, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँ भाई आप अपनी पेड फॉर आर्टिकल के डैशबोर्ड पर जाइए एंड माई आर्टिकल्स सेक्शन पर क्लिक करके वहाँ पे आपके सारे अप्रूव्ड किए हुए आर्टिकल शो होंगे, आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे मॉनिटर हो जाएंगे। देन आफ्टर सेकेंड है अवनी राजपूत, लिखते हैं ब्रो आप यूनिक वीडियो लाते हो, आप बहुत जल्दी ग्रो
करेंगे। थैंक यू भाई, आपका ऐसा ही लविंग सपोर्ट बना रहा हो तो ये दिन दूर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है सर, प्लीज़ मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कई लोग वेबसाइट को फेक बता रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर दूँ। देखिए, ये जो स्टडी पूल वेबसाइट है ये फेक नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। बस आपको डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा। कोई सा भी प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर हो, वहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, तभी वहाँ से थोड़ी बहुत हम अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट आप इस तरीके का ना सोचें, आप इस पर वर्क करें, ये फेक नहीं है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं इस नेक्स्ट कमेंट की तरफ। और ये है, थैंक्स, आपकी वजह से अप्रूव्ड हो गया, यू ऑलवेज वेलकम ब्रो। आपको बहुत सारी वीडियोस यहीं से, यूनिक एंड आपको हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। यहाँ पे लिखते हैं डेली टेक इनपुट एंड लिखते हैं, ब्रो एक वीडियो डेटा एंट्री फॉर्म फिलिंग एंड मेल सेंडिंग वेबसाइट सर्च, इनमें से किसी एक टॉपिक पर बनाओ। ठीक है, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। बट दोस्तों ऐसा होता है कि किसी भी वेबसाइट को सजेस्ट करने से पहले मुझे, क्या आप लोगों ने सजेस्ट करने से पहले मुझे उस वेबसाइट पे अच्छे से काम करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, देन आफ्टर ही मैं आप उस वेबसाइट के बारे में अच्छे से रिव्यू कर सकता हूँ आपके सामने। तो गाइस इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दें, आपको इस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी किसी तरीके का कोई टॉपिक है तो मैं ज़रूर सजेस्ट किया करें, उस पर रिसर्च करके आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगा एंड उससे और लोगों की भी हेल्प हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ एंड ये लिखते हैं वेट लॉस, ये लिखते हैं इस पर राइटिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे राइटिंग नहीं है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन रैंडम सा कोई ऐड करके उसका आंसर डिटेल्स में दे सकते हो, उसका पे आउट करती है स्टडी पूल। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग का यहाँ पे इस तरीके की राइटिंग है कि आप कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड करके उसका आंसर डिटेल्स में दे सकते हो, जितने भी वहाँ पे निसेस दिए उनसे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आप वहाँ पे पुट अप कर सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग का कुछ इस तरीके का है इस वेबसाइट पे। देन सेकंड कमेंट की तरफ चलते हैं, मैं यूनिक क्रिएशन एंड ये लिखते हैं, मेरा आर्टिकल सबमिट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ब्रो आप प्लीज वो सारी वीडियोस देख लें जो भी मैंने अभी अपलोड करी है रिसेंटली, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की तरफ लिखते हैं, ब्रो आप आर्टिकल पे एक वीडियो बनाओ, आप आर्टिकल राइटिंग पे एक वीडियो बनाओ जिसपे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, तो पेड फॉर आर्टिकल्स के अलावा। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर दूँ, देखिए पेड फॉर आर्टिकल्स के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं और वहाँ पे हिंदी में भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तो आप क्यों ना उसी पे वर्क करें। और भी वेबसाइट्स हैं बट उन्हें समझने के लिए या उन पे जब आप अच्छे से मेहनत करोगे और किसी तरीके का अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आपकी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। सो आप अगर इसी पे वर्क करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। और अगर आपको कंटेंट लिखना ही है तो आप अपने ब्लॉग पे हिंदी राइटिंग कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, वहाँ से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ईजिली से अब मिलने लगा है अगर आपका आर्टिकल राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस एंड अगर आपका भी कोई क्वेश्चंस रह गया है तो प्लीज यार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपका क्वेश्चन भी पुट अप हो जाए। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट Q&A में एंड आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एंड कमेंट के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।